तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग, अब हमने इसमें बेटा पर्सनैलिटी जब स्पोर्ट साइकोलॉजी ने हमने पढ़ी है तो इसमें हमने क्या क्या डिफरेंस, आपके फिलोसोफर ने, शेल्टन हुआ, जंग हुआ, उन्होंने एक रिसर्च किया है कि हमारे जो जितने भी डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं वो तीन कैटेगरीज में आते हैं। एक आते हैं मस्कुलर टाइप, एक टॉल एंड लॉन्ग, एक फैटी टाइप बल्की बॉडी वाले। तो उन्होंने उस पर पूरा रिसर्च करके देखा कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जो ये तीन कैटेगरीज के अंदर लोग आते हैं तो उनको उन्होंने कैटेगराइज कैसे किया, मेसोमॉर्फी, मेसो मीन्स मस्कुलर, ठीक है, एंडोमॉर्फी वो जो बल्की होते हैं एकदम वेट गेन कर लेते हैं जिनका देखने में आपको लगेगा भी हेल्दी है बट फैट्स ज्यादा होंगे मसल्स कम होंगे। देन एक्टो, लीन एंड थिन, टॉल, दे आर गुड फॉर इंडोरेंस। ये बेसिक चीज आपको इसकी पता जब लग गई है देन यू कैन राइट, इसको आप लिख सकते हो मेसो मस्कुलर, फिट फॉर ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कोई भी काम उसको कराओगे आप तो दे आर फिट। एंडोमॉर्फी बल्कि इजिली वेट गेन कर देते हैं, दे आर ऑल्सो गुड फॉर स्ट्रेंथ इवेंट्स, वो किसी उनका जो मेट, हाँ, स्ट्रेंथ में वो आपको यूजफुल होंगे। जो टॉल एंड थिन है एक्टो, वो एंडोरेंस, दे हैव अ वेरी फास्ट मेटाबॉलिज्म, फैट्स वो जल्दी गेन नहीं कर पाते, उनको एक्स्ट्रा हमको फीडिंग करनी पड़ती है कैलोरीज की, प्रोटीन की, बट दे आर गुड फॉर एंडोरेंस। इसी में फिर फर्दर उन्होंने जंग्स ने कहा कि थ्री कैटेगरीज हमारी होती हैं, एक इंट्रोवर्ट, एक्सोवर्ट, एम्बीवर्ट, ठीक है। ये सारी साइकोलॉजी स्टडी उन्होंने की है, रिसर्च की है कि एक आदमी है इंट्रोवर्ट है वो अपने आप में मास्टर है, जो कर रहा है आप सोचेगा, अपना टारगेट रखेगा, अपने आप को मोटिवेट करेगा, ठीक है, वो अकेले बैठ के सोच सोच के अपना सारा सिस्टम करता रहेगा। एक्सोवर्ट है जहां मर्जी बिठा दो बंदा, कोई जानता है नहीं पहचानता वहां शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। कि थर्ड एम्बीवर्ट, वो बोथ कैटेगरीज इन दोनों का मिक्सचर हो गया, वो मौका दे के बैठेगा भी अपने को भी करेगा, वो दोनों का कंबाइंड होता है एम्बीवर्ट, हाँ, AMBI, एम्बीवर्ट। तो ये थ्री कैटेगरीज उन्होंने डिफरेंट, इसका हमको स्पोर्ट्स में इसलिए आपको बता रहे हैं, इन्होंने इसलिए इसको टॉपिक को दिया है, ये सारी चीजें आपको स्पोर्ट्स में काम आएगी। अब जब हम ट्रेनिंग करेंगे, खिलाएंगे, अभी तो हम छोटे लेवल पे कोई पूछता नहीं है ना, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ बिग टूर्नामेंट तो वो एक एक प्लेयर का एक एक चीज नोट करते हैं, एग्रेसिव है, ठीक है, धोनी को देख लिया आपने, कोहली को देख लिया आपने, फुटबॉल में देख लो क्या करते हैं वो, आगे एक दूसरे के ऊपर ऐसे खड़े हो जाते हैं, पता है कि अगर पुश करेंगे तो रेड कार्ड मिल जाएगा, पर वो दूसरे को इरिटेट करेंगे। ये आप पता नहीं, लास्ट टू काफी साल हो गए, जिदान मेक्सिको का प्लेयर था कैप्टन, और वो मैच टीम जीत जानी थी, आराम से जीत रही थी, उसको आके उसने फॉल्स लेग में यूज कर दी और उसने उसको हेड मार दिया बाहर, प्लेयर कम हो गया, थोड़े से के लिए गोल हो गया, हार गए। तो वो क्या करते हैं, वो इरिटेट करेंगे दूसरे प्लेयर्स को। आप क्रिकेट में तो देखा ही होगा, अब तो खैर कैमरे बहुत हो गए, अब कैमरेज हैं, वो लिप भी अब तो सीधा हो गया ना, आपके लिप्स को रीड करेंगे, आपको फाइन कर देंगे, बाहर कर देंगे। अदरवाइज जो ऐसे बैठा होता है हेलमेट डाल के फॉरवर्ड शॉट लेके, वो कुछ भी बोल रहा होता है, ठीक है ना, वैसे भी वो लेसिस खुल गए जी, आ हो गया, वो हो गया, नेचुरली एक हल्का सा अगर आप इरिटेट हो गए, कंसंट्रेशन खराब हो गई, खत्म है काम, इट इज अ गेम ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये तीन कैटेगरीज उन्होंने किया है, मेसो, एंडो, एक्टो, देन इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। फर्दर इसी में उन्होंने आ गया आपका पर्सनैलिटी, अब पर्सनैलिटी क्या होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनैलिटी, किसको बोलते हैं पर्सनैलिटी हम, हाँ वो तो अलग अलग ही होगा, पर्सनैलिटी अलग है हर आदमी की, सब कुछ वो तो बिहेवियर अलग अलग हो गया ना। पर्सनैलिटी होती है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है,
हम किसी की फिजिक को देख के नहीं बोल सकते कि हाँ जी ही और शी हैज ए वेरी गुड पर्सनैलिटी, ठीक है। हाँ, बाहर का नहीं देखना है हमने। पर्सनैलिटी इज अ ओवरऑल, इट इज अ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इट इंक्लूड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस, एटीट्यूड्स, थॉट्स, फीलिंग्स, ये सारी चीजें उसमें आती हैं, ठीक है। अब इसमें आपका फर्दर नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज मोटिवेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन? हाँ, मोटिवेशन इंपॉर्टेंस। चलो इंपॉर्टेंस क्या होगी आपकी, अगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की हमको नॉलेज होगी है तो व्हाट हाउ इट विल हेल्पफुल फॉर इन द स्पोर्ट्स? इससे क्या है, एक तो आपका इमोशनल सारे का हम कंट्रोल करते हैं, सबसे मेन जितना आपका एंजाइटी है, ठीक है। आप देखो हारना और जीतना इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। आप हार गए हो, आप रियलाइज कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस की हम क्यों हारे हैं। एक आदमी हार गया, रो रहा है, ठीक है, वो डिफरेंट बिहेवियर आ गया आपका। आप हार के आप बोल रहे नहीं है, मैंने जीतना है, यू रियलाइज कि मैंने ये गलती की है, वो चीजें आपको इससे पता लगेगी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से। आपका जितने इमोशंस हैं आप उसको बिल्डअप करोगे उस लेवल के लिए जो, हाँ, जो टॉप लेवल पे जहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस रखना होगा। नो, हाँ, ये देखो इमोशन तो बाहर आते ही हैं, जब जीतते हैं तो सबके आते हैं, बट बैलेंस जो उसमें बना के रखना है दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। ये नहीं कि आप खुशी में विकेट ले ली तो मुड़ के अगला बंदा आके 100 कर जाए, ठीक है। तो वो बैलेंस बना के रखना है आपने, जॉयफुल, सैडनेस, चीजें सब गेम में आपका होता है, और सिर्फ एक स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है बेटा जिसमें आपके इमोशंस बाहर आते हैं। आप पढ़ते रहोगे, करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। या आप खेल रहे हो, भाग रहे हो, आप कोई अच्छा रन कर गए हो, कोई अच्छा स्कोर कर गया, वो पूरा एंजॉय करेगा लाइफ को, ठीक है। तो जो इमोशन सारे बाहर आते हैं, इसीलिए ये हेल्पफुल है आपकी एज ए फिजिकल डेवलपमेंट और इमोशनल मेंटल डेवलपमेंट। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपकी रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग एक्टिविटीज हैं, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना ऑफ ह्यूमन बींग। ये ऐसे ही थोड़ा ना बच्चे हैं कि अपने वो भागते हैं, जंप करते हैं, थ्रो करते हैं, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये एक इनबॉर्न टेंडेंसी है आदमी की। आप जब छोटे होंगे आपकी जो सरप्लस एनर्जी होती है उसको आप यूटिलाइज करते हो। आपको कोई नहीं बच्चे को बोलता है कि आप भागो, आप थ्रो करो, आप ये जंप क्यों कर रहे हो, वो ऐसे ऊपर चढ़ेगा नीचे उतरेगा। हाँ, कभी भी आपको मतलब उसको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि जाओ भागो। आप उनको बच्चों को खुला छोड़ दो, देखो आप वो जहाँ ऊपर मिलेगा ऊपर चढ़ेंगे, नीचे जो जिनसे बेस्ट होगा वो अपना करते रहेंगे। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है और ये आपकी सरप्लस एनर्जी है। अगर कोई बच्चा बैठा है चुपचाप तो समझो कि वो बीमार है या उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है। अदरवाइज कभी भी देखना, अगर कोई भी बच्चा है अगर वो भाग रहा, खेल रहा, कूद रहा है तो इट मीन्स कि ही और शी इज फिट। जहां वो बैठ गया तो इट मीन्स कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये चीजें अगर आपकी लाइफ में अगर आप ये करते रहोगे, जितना करते रहोगे उतना आपको ओल्ड एज को अवॉइड करेगी एक्टिविटीज। सिंपल है, अगर आपने अपनी एक्टिविटीज, क्या होता है, हमने खेला, पढ़े, 12th आ गई है, प्रोफेशनल कोर्स में चले गए हैं, स्टडी में बिजी हो गए हैं, जॉब की टेंशन हो गई है, जॉब कर ली है, 30 साल के हो गए, मैरिज हो गई है, बच्चे, ये वो, दैट्स ऑल। और वो 50-50 ईयर्स तक आदमी को पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरफ लगा हूँ, अपना हेल्थ का वो भूल जाता है, वो उसी में सारे में आपके इसी काम में लगा होगा। तो व्हाट हैपन आफ्टर 40, 45, 50+, देन शुगर, बीपी, ठीक है, वो हाइपर टेंशन, कई बड़े हाइपर हो जाते हैं लोग, ठीक है। कोई काम आपका अच्छा नहीं हो रहा, आपको जॉब नहीं मिली है, स्ट्रेस में चले गए हैं। जिंदगी है, इसमें जो मिलता है एंजॉय करो, अपना एक्टिविटी करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, ठीक है। बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता। इंडिया में इतने ऐसे भी लोग हैं जो बगैर खाए सो जाते हैं। अभी आप यहाँ भी देखोगे कितने, हाँ, उनको कभी कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी,
ठीक है, क्योंकि उनका लाइफ क्या है, हमारा क्या है, सर्दी होगी हीटिंग हो गया, गर्मी होगी तो कूलिंग हो गया। आपको मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। अभी एक दिन हम कहीं गए थे कॉलेज में, तो वहाँ से ना बाहर यूके से बहुत लोग आए हुए थे, और पूरी गर्मी, हमारे पसीने आ रहे हैं, बुरे हाल, स्वेटिंग हो रही है, तो वो लोग बिल्कुल जैसे वहाँ पे होते हैं ना, गोरे चिट्टे हैं, फर्स्ट क्लास, कोई स्वेटिंग नहीं। बिकॉज वहां पे पूरे साल एनवायरनमेंट कैसा होता है, ठंडा, स्वेटिंग होती नहीं। यू अंडरस्टैंड, जो आपके स्वेटिंग के पोर है ना, जो वो नेचुरली जब आप सारा दिन रहोगे वहां पे ऐसे कोल्ड एनवायरनमेंट में, अंदर आपके हीटिंग सिस्टम है रूम सारे, बाहर गाड़ी से निकलना है आपने, मतलब उनको निकलता ही नहीं है, गर्मी तो लगती है, पर वो चीजें, सारा सिस्टम बॉडी का कैसा हो जाता है जैसे आप उसको करोगे। हाँ, तो मतलब ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये बहुत बुरी चीज ही है। आपका जो बॉडी का नेचुरल सिस्टम है वो तो खत्म हो गया। ये पसीना निकलना बहुत जरूरी है, स्वेटिंग। हाँ, आप अगर विंटर में 1 घंटा एक्सरसाइज करो, पूरा पसीना निकलेगा, आपको कभी, हाँ कभी बीमार नहीं होगी। यहाँ पे पूरे साल निकलता ही नहीं है बच्चों का। अब जो जैसे मैं बोल तो रहा हूँ, अब आपने कितना घर से यहाँ, अभी स्कूल टाइम में आ रहे हो, आप बाइक पे आ रहे हो या जो भी आ रहा है, साइकिल तो खैर बंद ही हो गई है, तो उसके बाद कितना है, उसके बाद सारा सिस्टम चेंज है। एंड व्हेन यू आर गोइंग इन एनी प्रोफेशनल, फिर तो आपका सारा सिस्टम ही चेंज है। तो ये चीजें बहुत काउंट कर रही हैं, जितने डायबिटिक्स, बीपी, ये तो मतलब नॉर्मल हो गया है। 40, अभी आपके स्कूल कॉलेज में एक डॉक्टर एमबीबीएस कर रहे हैं, उसको हार्ट अटैक हो गया। ये क्या है, स्ट्रेस, स्टडी स्टडी स्टडी, सारा दिन एक काम लगा है कि हमने बस। और बाद में क्या होता है, बाद में लोग बोलते हैं कि हमको स्टडी नहीं, हेल्थ अच्छी हो जाए बस, तो दैट इज द मेन रीजन। इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको कि मोर, वी हैव टू गिव मोर स्ट्रेस। अब गवर्नमेंट भी खेलो इंडिया के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, ये स्कूलों में आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कराओ, पर मोस्टली पेरेंट्स भी हैं और वो बच्चे भी हैं, वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कोई एक्टिविटीज़ करा, दूसरी एक्टिविटीज़ में, नॉट इन अ फिजिकल एक्टिविटीज़। कोई डांस हो गया, कोई सॉन्ग हो गया, कोई इधर हो गया, अल्टीमेटली जो आपको जहाँ से फ़ायदा मिलना है फिजिकल एक्टिविटी, वो तो हो ही बहुत कम रही है। तो मोटिवेशन बेटा, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज अ सम ऑफ द इनर फोर्सेज विच कंपेल अस टू डू सर्टेन एक्टिविटीज, इट इज अ लाइकिंग। हाँ, आप बोलते हैं ना ये आदमी मोटिवेटेड है इस काम के लिए, तो वो क्या, वो अंदर से आवाज आ रही है उसको, उसको जब अंदर से फीलिंग, जब कोई चीज यू लाइक, लाइक एंड डिसलाइक, आप कोई चीज लाइक कर रहे हो, आपको अंदर से फीलिंग आएगी, नहीं मैंने ये काम करना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा एम है, तो दैट इज मोटिवेशन। वेन एवर यू आर कंपेल्ड टू डू एनी एक्टिविटीज विद योर इनर फोर्स, वो, हाँ वो आपका मोटिवेशन हो गया। मोटिवेशन फर्दर वी डिवाइडेड इट इन टू पार्ट्स, टू टाइप्स। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, जिसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। हाँ, सेकेंड इज एक्सटर्नल, मीन्स एक्सटेंसिव मोटिवेशन। द वर्ड इज सेल्फ क्लियर, इंटरनल मीन्स जो अंदर से, एक्सटर्नल मीन्स जो आपको बाहर से आता है। अब इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके? हाँ, इंटरनल मोटिवेशन, आपका जो, आपको क्वेश्चन, इंटरनल मोटिवेशन मीन्स योर लाइकिंग डिसलाइकिंग, ठीक है, उसी से आप मोटिवेट होगे ना, कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, कोई नहीं लग रही है। हाँ, आपका लव अफेक्शंस विद योर पेरेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इंटरनल से रिलेटेड आ जाती है। हाँ, एक्सटर्नल तो वो सारी चीजें जो आपको हम फोर्स करेंगे आपके मोटिव को, आपके एम को फुलफिल करने के लिए। सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, गोल सेटिंग।
एक्सटर्नल में सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा गोल सेटिंग, ठीक है। हाँ, जब आपने उसको बोल दिया किसी को भी, ये आपका टारगेट है, ये आपका गोल है। स्पोर्ट्स में आपका मेन कंपटीशन क्या है, आपने नेशनल खेलनी है, नेशनल में मेडल लेना है, इंटरनेशनल जाना है, वहाँ मेडल लेना है, वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े इवेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। वो आपने सबसे पहले तो गोल सेटिंग होगी आपकी। जब आपने गोल सेटिंग कर दी है, देन देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू एलेबोरेट। उसमें आप क्या कर सकते हो, रिवार्ड है, पनिशमेंट है, ठीक है, इक्विपमेंट्स है, रोल ऑफ स्पेक्टेटर्स है, स्पेक्टेटर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है परफॉर्मेंस में, मोटिवेट करने में। अब आप लोग हैं, आपको अगर आपने देखा है जो बड़े बिग नेम्स होते हैं उनको देखने के लिए आधी जनता आती है। आप बोलेंगे अच्छा एक टाइम था वो, तो दैट इज अ यू कैन से कि आप एक जो आपकी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्पेक्टेटर को मोटिवेट कर रहे हैं ज्यादा, समझ गए ना। हाँ, वो अपनी उन्होंने पूरा हाउस फुल करना है, तो वो स्पेक्टेटर का क्या होता है। अब कभी आप इंग्लैंड का मैच देखना फुटबॉल का, वहां पे वो स्पेशल वहां फोर्स होती है खड़ी की, अगर ये हार गई है टीम तो इन्होंने कोई ना कोई दंगा फसाद कर देना। वो इतने मतलब पैशनेट है अपनी टीम के लिए, फुटबॉल के लिए, और फुटबॉल का क्रेज वर्ल्ड में सबसे फेमस गेम फुटबॉल है, ठीक है। तो वो उनके जो अपना पूरा बेंच है, सीट है, वो सारा उन्होंने अपना डिफरेंट रखा होता है। बहुत टाइम आपने सुना होगा, देखा होगा, जो उनके क्लब मैचेस हैं वहां पे बड़ा ही, वहां पे वो कुछ ने तोड़ फोड़ कर दी है, उसने आग कर दी, मतलब बहुत ज्यादा ये होती है। तो ये एक स्पेक्टेटर का बहुत रोल होता है। अब आपने देखा होगा जब तेंदुलकर खेलता था, अगर वो लोग जा रहे हैं मैच देखने, अच्छा तेंदुलकर नहीं आ रहा, वो नहीं, हमने देखना नहीं, तेंदुलकर तो आ नहीं रहा, धोनी को देखने जा रहे, कोहली को, मतलब वो बिग नेम है, उनको पब्लिक ने बनाया, स्पेक्टेटर ने। अब आप कोई छोटा बच्चा है, ऑडियो वीडियोस जो आपका प्रेस वाला है, आप उसको कवर करोगे, मोटिवेट कैसे होगा बच्चा। आपने कोई अचीवमेंट की है, आपका नाम दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आ गया जी, जलंधर में आपने कोई भी मेडल लिया है, तो नेचुरली आप क्या होगा, आप पहले जाके अपने पेरेंट्स को दिखाओगे कि ये देखो आज मेरा नेम आया है, ठीक है, आज मैंने ये मेडल लिया, ये सब कुछ है, आप मोटिवेट हो गए। मीडिया का तो बहुत रोल है, आपकी कोई हिस्ट्री उन्होंने लिख के बता दी, बिल्कुल करेगा वो। जब आपके 2-3 बार फोटो आने शुरू हो गए, आपके रिश्तेदार आपके फोन आ जाएंगे, हाँ जी बेटे का नहा है जी, की कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। जो छोटे बच्चे को है ना, छोटे बच्चे को अगर आप ये चीजें दोगे, उसको बैट दे दो, अच्छा उसको किट दे दिए, मैच में आपको फर्स्ट प्राइज मिला है, आपको किसी ने किट दे दी, ठीक है, आप कोई भी गेम से रिलेटेड है उसकी आपको इक्विपमेंट दे देते हैं, आप उसको रखोगे सामने, आपको कोई बड़ा प्लेयर गिफ्ट करके चल जाए या आपको वैसी शाबाशी दे दे, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा अभी इन्होंने जितने भी आपके मेडलिस्ट हैं अभी ओलंपिक में, तो गवर्नमेंट ने, पीएम ने उनको बोला था कि एटलीस्ट आप 50 स्कूल में विजिट करो, अगर आप लोग ऐसे विजिट करोगे अपने अपने स्टेट में करो जहां पे आप रहते हैं नियर बाई, तो कितना मोटिवेट होंगे। अभी आपने देखा वो सारी जगह उनके हर स्टेट में उनको घुमा रहे थे, वो एसोसिएशन बड़ी बड़ी लगी होती है ना उनके साथ।